दोस्तों बहुत से लोग गैस एसिडिटी से परेशान रहते हैं, बार बार खट्टे डकार आती है, अपच की समस्या रहती है, कब्जी की समस्या रहती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है, मोटापा और ना जाने कितनी बीमारियां हमारे शरीर को लग जाती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको चार तरीके बताऊंगा जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो ये सारी बीमारियां कभी भी नहीं होगी और है तो ये भी खत्म हो जाएगी। तो चलिए क्या है वो गलतियां जो हम अक्सर करते हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि सुबह सबसे पहले उठकर खाली पेट चाय पीते हैं। बहुत से लोग फ्रेश होने के नाम से बार बार चाय पीते हैं। उनको ऐसा लगता है कि फ्रेश होने जाना पड़ता है तो इसलिए हम सुबह चाय पीते हैं, बैटरी लेते हैं। वो अपने मन में बिठा लेते हैं कि बिना चाय के पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता, जो कि ये गलत है। जो सुबह खाली पेट की चाय होती है दोस्तों उसका कोई भी फायदा नहीं होता, लेकिन नुकसान ये भरपूर करता है। लेकिन मानिए आज से ही आप छोड़ दीजिए, इसके जगह आप सुबह उठकर 2 गिलास पानी पीने की आदत डालें और वो भी हल्का गर्म पानी। पहले दिन आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आप चाय के बिना अच्छे से फ्रेश ना हो सको, लेकिन अगर आप ऐसा रेगुलर करोगे तो ये अच्छी आदत बन जाएगी। ये आंतों की सफाई करने का सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता तरीका है। जब आप सुबह उठकर हल्का गर्म पानी पीते हो तो बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी जहरीले तत्व और गंदगी होती है, वो रोज के रोज बाहर होते जाएंगे। ऐसा होने से मेटाबॉलिज्म में भी फास्ट हो जाएगा। जो लोग अपना वेट लूज करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेटाबॉलिज्म का फास्ट होना बहुत जरूरी है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है तो पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी दुरुस्त हो जाएगा। दोस्तों सुबह सुबह हल्का गर्म पानी पीने से शरीर को अनगिनत फायदे होते हैं। इससे आपकी उम्र बढ़ जाएगी, जल्दी बुढ़ापा भी नहीं आता और पूरे दिन आप एक्टिव फील करोगे। कई लोग खाना खाने के साथ या फिर खाना खाने के जस्ट बाद पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। दोस्तों खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे का गैप जरूर लीजिए। आप 1 घंटे के बाद ही पानी पीजिए। इसे आप फॉलो करके बहुत सी बीमारी जैसे एसिडिटी, गैस, अपच, हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों से हमेशा के लिए बच सकते हो। अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत हो तो आपकी मर्जी, क्योंकि इससे शरीर को बहुत नुकसान होता है। तीसरी चीज है दोस्तों, आप पानी को खड़े होकर और एक ही सांस में ना पिए। बहुत से लोग हैं जो खड़े होकर गटागट पानी पी लेते हैं। आपको हमेशा बैठकर इत्मीनान से घूंट घूंट कर पानी पीना चाहिए। मुंह का लार जितना ज्यादा पेट के अंदर जाएगा, डाइजेशन उतना ही अच्छा होगा। सर्दियों के मौसम में आपको हमेशा हल्का गर्म पानी पीना है और गर्मियों में आप मटकी वाला पानी पिए। अगर आप ऐसा करोगे तो एसिडिटी, गैस, हाई बीपी जैसी बीमारी कभी नहीं होगी। और बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि खाना खाने के बाद नहा लेते हैं। खाना खाने के जस्ट बाद आप बिल्कुल भूलकर भी ना नहाएं, क्योंकि शरीर पर जब पानी डाला जाता है तो रक्त का प्रवाह तेजी से त्वचा तक पहुंचता है, जिससे शरीर को गर्मी मिलती है। जब हम खाना खाने के तुरंत बाद नहाते हैं तो पेट के आसपास का रक्त, जो कि खाना पचाने में हेल्प करता है, नहाने से इसका प्रवाह शरीर के अन्य भागों में तेज हो जाता है, जिससे खाना ठीक से नहीं पच पाता या फिर वह पचने में समय लेता है। इसलिए खाना खाने के जस्ट बाद नहाए नहीं, कम से कम 1 घंटे का गैप जरूर दें। ये छोटे छोटे से नियम है दोस्तों, अगर हम इसका पालन करें तो हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। आप अपने बच्चों को भी सिखाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी का फायदा उठा सके। अगले एपिसोड में फिर से मिलता हूँ दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखें।